कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। तो वही हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। जो 5 लाख नियुक्ति इनको करना था प्रतिवर्ष, उसमें 5 नियुक्ति भी ये नहीं कर पाए। बड़ा संघर्ष हुआ, बहुत इसमें लोग मार खाया है, बहुत फंडिंग हुई है, बहुत कुछ झेल के मिला है। झारखंड इतना ऊर्जावान धरती है, यहाँ के बच्चे इतने मेहनत कश हैं कि इन्होंने बिरसा मुंडा की तरह लड़ाई लड़कर नियुक्ति पत्र पाया है। धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट को देंगे। इनके राज में तो केवल बालू, कोयला, लोहा चोरी हो रहा है, अधिकारी दोनों हाथों से लूट रहे हैं। इनके पास नियोजन नीति है कहाँ? स्थानीय को परिभाषित कहाँ कर पाए? और ये झुलाते झुलाते लगभग 5 साल बिता देंगे। हेमंत सरकार बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप ये कहावत सुने होंगे, तो ये स्वयं तो आज तक नियुक्ति कर नहीं पाए। जो 5 लाख नियुक्ति इनको करना था प्रतिवर्ष, उसमें 5 नियुक्ति भी ये नहीं कर पाए। जो पिछली सरकार थी, उस समय जो वैकेंसी आया था और जिसका रिजल्ट इन्होंने रोक दिया था, बच्चे मेहनत करके हाई कोर्ट से केस लड़के, सुप्रीम कोर्ट से केस लड़के अपने अधिकार को पाया है। और जब अधिकार इन्हें सुप्रीम कोर्ट से मिला तो हेमंत सोरेन की सरकार नाचने लगी। अब तो इनको नियुक्ति पत्र देना ही था। झारखंड इतना ऊर्जावान धरती है, यहाँ के बच्चे इतने मेहनत कश हैं कि इन्होंने बिरसा मुंडा की तरह लड़ाई लड़कर नियुक्ति पत्र पाया है, लेकिन जिसकी बहवाई ये सरकार लूटने का काम कर रही है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, तो वही हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। नियुक्ति कोई और निकाले, परीक्षा छात्र दें, अपने अधिकारों को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से लड़कर छात्र लें, और नियुक्ति पत्र जो है सो ये दे रहे हैं, और नियुक्ति पत्र देने में करोड़ों रुपया खर्च, यह भी बर्बादी झारखंड सरकार कर रही है। लूट मचा हुआ है। इनके राज में तो केवल बालू, कोयला, लोहा चोरी हो रहा है, अधिकारी दोनों हाथों से लूट रहे हैं। जिस अधिकारी के यहाँ छापा मार दीजिएगा, करोड़ों रुपया निकलेगा। जिस मंत्री के यहाँ छापा मार दीजिएगा, करोड़ों रुपया निकलेगा। ये बहाली नहीं हो रही है, ये आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया जा रहा है, जो झारखंड की जनता, झारखंड के छात्र बखूबी समझते हैं। सर, जो नियुक्ति पत्र के लिए समारोह हुआ, उसमें कई छात्रों ने ऐसा कहा कि जो आगे जो भी एग्ज़ाम हो वो शायद समय पर हो और छात्रों को इस तरह से लड़ाई न लड़ना पड़े। ये एग्ज़ाम लेंगे ही नहीं, इनके पास नियोजन नीति है कहाँ? स्थानीय को परिभाषित कहाँ कर पाए? और ये झुलाते झुलाते लगभग 5 साल बिता देंगे। अंत में जो है सो ये कोई डिसीजन लेंगे, वो भी जनता के आंखों में धूल झोंकने के लिए। ये सरकार हवा हवाई है, ये सरकार लुटेरों की है, ये सरकार छात्रों की नहीं है, इस बात को आप जान लें। कुल मिलाकर सर, तमाम अभ्यर्थी जो वहां पर पहुंचे थे, उनका भी यही कहना था कि सीएम हेमंत सोरेन को धन्यवाद न देकर वो सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहेंगे। अरे मैं तो कह ही रहा हूं आपको कि एक छात्र भी इनको बधाई नहीं दे रहा होगा, थैंक्स नहीं कह रहा होगा। वो छात्र सुप्रीम कोर्ट को थैंक्स कह रहे थे, हाई कोर्ट को थैंक्स कह रहे थे, और मैं उन तमाम छात्रों को जो 2550 आज बहाली हुई है, उनको मैं प्रणाम करता हूं, उनके जज्बा को मैं सलाम करता हूं कि लड़के उन्होंने नौकरी लिया। और यह सरकार अपना पीठ थपथपाने का काम कर रही है। सर, 7वीं से 10वीं जेपीएससी तो लगातार हुई, एक साथ एग्जाम हुए, और उसका तो हेमंत सोरेन को ही क्रेडिट जाता है। 7वीं से 10वीं जेपीएससी क्यों हुई, कैसे हुआ, आप जाके छात्रों से पूछिए।
जो अंतिम समय में इंटरव्यू में मेंस उनको छाड़ दिया गया है। पूरी सूची आप मंगाइए और देखिए कि सरकार के कितने लोग, कितने बाल बच्चों का उसमें हुआ है, कितने मंत्री के परिवार के लोगों का हुआ है, कितने अधिकारी के परिवार के लोगों का हुआ है। आज तक कटअप लिस्ट जारी किया है क्या उन्होंने? जिस दिन कटअप लिस्ट जारी करेंगे सारे लोग फंस जाएंगे उसमें। उनके घर में जो बेरोजगार लोग थे उनको रोजगार दिया गया है अधिकतम, छात्रों के लिए, झारखंडियों के लिए, मूल वासियों के लिए कुछ नहीं है। सरकार की है, सब के सब ठगे महसूस कर रहे हैं।